सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर पर फिर से लगा देंगे ताला। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि ये मोदी है और मोदी के रहते करना नामुमकिन है। यूपी में गरजे पीएम मोदी। 2014 से पहले देश को कांग्रेस ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, हर क्षेत्र में लूट मची हुई थी। प्रतापगढ़ की रैली में बोले पीएम मोदी। यूपी में योगी के आने से बदला अब जनता नहीं माफिया, डरते हैं। पीएम मोदी ने की योगी की तारीफ। पीओके को देश में शामिल करिए, हम जिंदाबाद करेंगे, लेकिन केवल चुनाव के समय ही क्यों याद आता है, बोले असदुद्दीन ओवैसी। गड़बड़ी से ही 400 सीटें ला सकती है बीजेपी, वरना 200 भी मुश्किल है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर हमला। स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हूं, उम्मीद है केजरीवाल करेंगे इंसाफ, दुर्व्यवहार मामले में बोली प्रियंका गांधी। गौहत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, मोदी जी को तसरा बना दो प्रधानमंत्री, अमित शाह का बयान। सितंबर में अमित शाह को पीएम बना देंगे नरेंद्र मोदी, 2-3 महीने में योगी को हटा दिए जाएंगे, बोले सीएम केजरीवाल। योगी के आने से माहौल बदला, जनता नहीं माफिया, डरते हैं, पीएम मोदी बोले। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 8,500 रुपए। छुट्टियों के सीजन में रेलवे ने किया समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में हुआ 66.95% मतदान, अब तक 45.1 करोड़ लोगों ने डाला है वोट। राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है, कौशाम्बी में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। महाराष्ट्र में 3 दिन लगातार रहेगा ड्राई डे, नहीं मिलेगी शराब, 18 से 20 मई तक ड्राई डे का हुआ ऐलान। जनता बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी, अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। पीओके जल्द भारत में वापस आ मिलेगा, विदेश मंत्री जयशंकर बोले वहां के लोग जम्मू कश्मीर का विकास देखकर कर रहे हैं प्रभावित। आज सोने के दामों में उछाल देखी गई, सोना 67,850 रुपए तोला, तो वही चांदी 89,100 रुपए किलो। सीएम शिंदे ने दिए सभी होर्डिंग जांच के आदेश। रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी, कल राहुल और अखिलेश के साथ करेंगी रैली। दिल्ली एनसीआर में लू का अलर्ट हुआ जारी, वीकेंड पर 45 डिग्री पहुंचेगा पारा, आईएमडी का अलर्ट। हरियाणा में आज से हीट वेव अलर्ट, 46 डिग्री पहुंचेगा पारा, 40 की स्पीड में चलेगी गर्म हवाएं। रायपुर में जिम में वर्कआउट करते समय 17 साल की लड़की की मौत, हार्ट अटैक से जान का अंदेशा। पश्चिम बंगाल में ट्रांसफॉर्मर से टकराई बस, तड़क तड़क कर हुई 4 लोगों की मौत। जोधपुर में सगे भाई बहन के संदिग्ध मौत से पूरे गांव में सनसनी, पुलिस माता पिता को लेकर गई थाने। जयपुर में ओवरटेक करते समय भिड़ी थार बोलेरो, 4 लोगों की मौके पर हुई मौत, 6 गंभीर रूप से घायल।